अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद तो करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बन रहा है पिज़्ज़ा। थोड़ी पिज़्ज़े की डो मैंने गूंद ली थी, अब इसको मैं गोल गोल करी, गोल गोल रोटियों की तरह आपने करना है इसको जी। सही जगह गोल कर दे। अब देखिए जी रोटी मेरी गोल गोल हो रही है, आपने भी इसी तरह करना है और जल्दी जल्दी करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। मेरी रोटी हो रही है गोल, तब तक आप इसको देखें। आप देख सकते हैं मेरी रोटी गोल हो चुकी है। अब मैं इसको मैं ट्रे में डालने लगी हूँ। ट्रे को उठाकर ऑयल से ग्रीस करना है। तो जब आप देखिए उसको सही तरह से हमें सेट करना है ट्रे में, फिर उसके बाद आपने अब मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करके इसमें थोड़े स्टॉक करने हैं। अब इसके ऊपर आप चिली सॉस डालनी है, खुली बात डालनी है। अब सॉस को मैंने सारी तरफ से फैला दिया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पोटियाँ बुनी हुई है। अगर आप इसके बाद पोटियों के बाद चिकन की भी रेसिपी चाहते हो बुनने का तरीका, तो कमेंट में बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो बना लूँगी। तो जी मैंने बोतलें डाल दिया। मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, जैसे जिस तरह से मैंने कटी है अपने भी इसी तरह से ही काटनी है। फिर आपने डालनी है इसके ऊपर चीज़ से भर के। चीज़ मैंने अब डाल दिया। अब इस पे को उसको मैंने ओवन में रख दिया है। ओवन में रख दिया तो मेरा पिज़्ज़ा बन के आ गया तैयार। तो ये आपने मेरे घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़ेगा। अगर आप इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहते हैं किस तरह मैंने डो गूंदी, कितनी देर के लिए रखी और बोटियाँ बनने की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको अलग से वीडियो बना के रेसिपी सिखा दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का था, अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करना है। और तब मैं कैसा बना था
ये चीज़ आप हमें मैं आने वाली लड़कियों को टॉफा नफा तो मैंने ओवन में रख दिया, ओवन में रख के अब ये देखिए निकला है भाई, इतने मज़े का था। इसके ऊपर मैंने वो शीरा डाला है, शीरा डाल के ये बहुत मज़े का हो जाता है क्योंकि ये मीठा है। ये देखिए इतना सॉफ्ट, और इसके अंदर जो क्रीम होती है वो भी बहुत मज़े की होती है जी। ये देखिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।